वैसे तो धर्म परिवर्तन के बहुत से मामले आपने सुने होंगे, लेकिन शायद ये पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी किन्नर ने धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया है। मामला संगम नगरी प्रयागराज का है, जहां एक किन्नर ने दूसरी किन्नर पर धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाया, जिसके विरोध में जॉर्ज टाउन थाने पहुंचे किन्नरों ने हंगामा कर दिया। आरोपित किन्नर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए तहरीर भी दे दी है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। अलापुर थाना क्षेत्र निवासी एक गरीब महिला का आरोप है कि उसका एक बच्चा किन्नर है, उसे शाहगंज की एक किन्नर ने अपना चेला बनाया है। आरोप है कि उस किन्नर को पत्थर गली स्थित मौलाना ने इन किन्नरों के कहने पर धर्म परिवर्तन करा दिया, आपत्तिजनक चीजें खिलाई, उसका शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न किया गया। जब अपने घर जाना चाहती थी तो इस पर चोरी का आरोप लगाकर मुकदमा दर्ज करा दिया गया। इसके साथ ही पीड़ित पंकज किन्नर को मारा पीटा भी गया। फिलहाल पुलिस का कहना है कि जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। जी, मैं बबली किन्नर के यहाँ रहती थी। वो मुझे मारती थी, गाली देती थी, मेरे घर नहीं आने देती थी। बट ये ना बहुत कुछ जाती मेरे साथ करती थी। मैं अपने माँ बाप के पास जाती थी तो वो कहती थी, क्या करने जाएगी, पसियाना चमरौटे में क्या रखा है, पैसा भेजा दे। मुझे पैसे भी ठीक से नहीं देती थी और मेरे घर पे चढ़ के बेइज्जती की थी, मुझे चोरी का इल्ज़ाम लगा दी थी। और फिर उसके बाद आई मेरे घर पे, मेरे बाल उल काट के गई, बोली कि लड़का है, लड़का बन के रहा। हम तो नाचती गाती थी सर, प्रोग्राम करती थी, हम वहाँ जाके चेला हो गई। धर्म परिवर्तन का जी, घर में तो मेरे आके बिज्जती करके गई मेरे माँ बाप को। धर्म बदल दिया क्या है मेरा धर्म? मुझे, मैं हिंदू की बच्चा जात की पासी, और मुझे वो अलग गई, वो यही रमजान में मुझे मुस्लिम बनाई कि बेटा मुस्लिम बन जा। मुझे छुआछीत नहीं करने देती थी कि बेटा मुस्लिम बन जा तब तुझे छुआछीत कर। सर मैं तो कमाने खाने के लिए, फिर मैं जबरदस्ती मुझे बनना पड़ा। कहां पे बनाया जी? अपने घर में बनाई, लीडर रोड पे। लीडर रोड, हाँ। कोई तो मौल्वी भी है? मारती भी थी मुझे। कोई मौल्वी भी है? जी हाँ, एक मौलवी था वहाँ पास गड़ैये का है। वो उनके यहाँ डेली रात को ना नमाज पढ़ने आता, डेली वो पढ़ने आता था। उनके यहाँ मस्जिद भी है। हाँ, तो यही सब बात होती थी। मुझे मारती थी, मेरे घर पे चढ़ के बेइज्जती करती थी, मुझे चोरी लगा दिया 50,000 रुपए की। यही सब बात थी जी। मेरा नाम है पंकज और मैं नाचती गाती हूँ। मामला धर्म परिवर्तन का जैसे बता रहे हैं, तो कैसे है, कौन है ये महिला और क्या किया है? जय श्री महाकाल, मैं वैष्णवी नंदगिरी। जो आदित्यनाथ योगी जी CM ने जो किन्नर कल्याण बोर्ड बनाया है, मेरे को उसका सदस्य बनाया गया है। और किन्नरों के कल्याण के लिए मैं अपना इसीलिए कदम उठा रही हूँ कि जो गरीब लोग हैं, जो बेचारे लोअर क्लास लोग हैं, जो अपनी आवाज़ नहीं उठा पाते हैं, जिनका शोषण होता है समाज में और वो उठ के नहीं आ पाते हैं, तो हम उनका साथ देना हमारा फ़र्ज है, कर्तव्य है। और उसी ड्यूटी को मैं अपने निभाने के लिए, जब मुझे पता लगा कि एक गरीब बेचारे घर के किन्नर के साथ ऐसा ऐसा हो रहा है और धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, जिसके खिलाफ हमारे पूरा हिंदू धर्म और साथ ही साथ योगी जी भी हैं और वो ऐसा कर रही है, तो ये बहुत गलत बात है। उसके खिलाफ हम यहाँ कंप्लेंट लिखवाने आए, क्योंकि प्रशासन सबके लिए है। हम सरकार से यही गुहार लगा रहे हैं कि ऐसे लोगों के साथ जो ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन और उनको गलत गलत ये जो गोश्त, जो गाय का, भैंस का, जो हमारी माँ है, गाय माता है, उनका गोश्त खिला के और सब परिवर्तन किया जा रहा है, ये बहुत गलत है। हम और इसके खिलाफ हैं और हम इसीलिए आए हैं आज यहाँ पे प्रशासन से गुहार लगाने कि इसको रोका जाए। और ताकि वो एक बच्चा, यदि अगर हम आज ही जड़ को नहीं काटेंगे तो वो पेड़ बनेगा, इसी प्रकार हम चाहते हैं कि आज जो एक केस है ये यहीं के यहीं उसको सबक मिले। जो बबली किन्नर है, केस है कि दो केस हैं कि तीन? नहीं, यहाँ पे अभी तो दो ऐसे किन्नर हैं जिनके साथ उन्हें ज़बरदस्ती जो है उनको ईमान दिलाने की दिलाया गया है मौलवी द्वारा, जो भी उनका रिचुअल्स होते हैं मुस्लिम्स के मस्जिद में जाके, और ज़बरदस्ती उसको जो है गोश्त खिलाना गाय का, भैंसे का, और ज़बरदस्ती उसको मारा पीटा। अगर उसके अगेंस्ट वो बोलते हैं तो उनको घर ना भेजना, और घर आने पे उनकी खूब बेइज्जती करना, उनके माँ बाप की, परिवार की, मोहल्ले में बेइज्जती करना, ज़बरदस्ती चोरी का नाम लगाना, ये सब काम करना, ताकि वो और दबें, अपनी आवाज़ ना उठा पाएँ। प्रशासन से यही मांग है कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए उसको, उसके खिलाफ, बबली किन्नर के खिलाफ, और बबली किन्नर ताकि आगे से ऐसे मासूम बच्चों के साथ ये दुष्कर्म ना कर सके। तो हम यही चाहते हैं कि, और बताओ, उसकी माँ जो है एक तो दलित, घर 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 झाड़ू पोंछा करने वाली बेचारे, इतने गरीब लोग हैं, उनके साथ ऐसा कर रहे हैं कि वो आज सुसाइड तक करने की नौबत आ गई कि मैं मर जाऊं, मेरे बच्चे को ज़बरदस्ती मुसलमान बना लिया, क्या हम समाज में मुंह दिखाएंगे? तो उससे क्या है, परिवार भी, उस परिवार पे बहुत फ़र्क पड़ता है और इस समाज पे। और हम हिंदू राष्ट्र हैं, हम यही चाहते हैं कि अपने सनातन धर्म को आगे लेकर जाएं और इस दुष्कर्म को होने से रोकें।